Assalamualaikum viewers, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एशियन चिकन कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अगर फटाफट से आपको बनाना हो तो आप ये कबाब ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है बोनलेस, और इसको मैंने ये चकोर पीसीस में काट लिया है। ये देखें, इस तरह चकोर पीसीस में मैंने काट लिया है। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। और हमें चाहिए है ये एक प्याज के मैंने यूँ इस तरह चकोर पीसीस काट लिए हैं, और इसी तरह शिमला मिर्च को भी मैंने चकोर काट लिया है। और हमें वुडन स्क्यूअर्स चाहिए हैं, ये हम लोगों ने लिए हैं। हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए है सफ़ेद सिरका, और 1 टेबलस्पून ही चाहिए है ऑयस्टर सॉस, और हमें चाहिए है थोड़े से सफ़ेद तिल, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर, आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। और 1/2 तिल ऐड कर देंगे इसके अंदर, और बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। थोड़े से तिल सिर्फ हम लोग बचा लेंगे ऊपर गार्निश के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून हम लोग वाइट सिरका डाल देंगे। और ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम ये स्क्वायर्स लेंगे, इस तरह ये एक चिकन पीस जो है इसके अंदर डालेंगे। ये एक प्याज का टुकड़ा और एक ये शिमला मिर्च का टुकड़ा, इस तरह से। फिर एक और चिकन पीस डालेंगे, और इसी तरह ये एक प्याज का टुकड़ा और एक शिमला मिर्च का टुकड़ा। इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे हम लोग। ये देखेंगे इसी तरह सारे स्क्वीज में लगाकर स्क्वीवर्स में हम लोग रेडी कर लेंगे। इनको प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से, और बाकी भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखेंगे सारे हमने स्क्वीवर्स रेडी कर लिए हैं, ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक पैन लिया है, इसकी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम लोगों ने 1 to 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। अब इनको हम लोग किस तरह रखते जाएंगे इस तरह से। और इनको हम लोग 1 से 1.5 मिनट बाद टर्न करेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हम लोग इसकी साइड्स चेंज कर देंगे इस तरह से।
और अच्छे से सारी साइड से हम लोग अच्छे से पका लेंगे। इन एशियन चिकन कबाब को आप लोग ग्रिल में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तवे पर बनाना इस वजह से सिखाया है ताकि जिनके पास ये सहूलत नहीं है वो इसको आराम से तवे पर भी बना सके। ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हम लोग ऑयस्टर सॉस जो है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यूं लगा देंगे। ये सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और इस पे ये थोड़े थोड़े जो तिल हैं ये हम लोग स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। हम लोग इस तरह उतार लेंगे और बाकी भी उतार लेंगे। ये हमारे एशियन चिकन कबाब रेडी हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस बनते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।